छठ का अपने टू का शूट क्यों किया गया कैंसिल, कब रिलीज होने वाली है अपने टू। दोस्तों बीते साल यानी कि 2020 में फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा ने घोषणा की थी कि फिल्म अपने टू आने जा रही है। अभिनेता धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल को दर्शकों का खूब प्यार मिला था इस फिल्म से। वहीं अब अपने के सीक्वल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्म की शूटिंग अप्रैल यानी कि इसी साल शुरू होनी थी, लेकिन अब फिल्म की शूटिंग को टाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस खबर की पुष्टि खुद अनिल शर्मा ने की है। फिल्म अपने टू को दिवाली पर रिलीज करने का प्लान किया गया था। वहीं भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निर्देशक ने फैसला लिया है कि फिल्म की शूटिंग टाल दी जाए। अनिल शर्मा ने ये फैसला धर्मेंद्र की सेहत को ध्यान में रखते हुए किया है। वहीं अब जब फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई है, ऐसे में फिल्म के रिलीज के बारे में सोचना थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जब शूट ही शुरू नहीं हो पा रहा है तो रिलीज़ कैसे होगी। वहीं फिल्म अपने टू की शूटिंग को टाल देने पर निर्देशक अनिल शर्मा ने कहा कि अभी जो परिस्थिति देश में चल रही है उन्हें देखते हुए शूट कैंसिल करना पड़ा। वहीं महामारी के चलते सिनेमाघर अब कुछ महीनों तक बंद ही रहेंगे, ऐसे में शूटिंग करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। फिल्म की शूटिंग पहले पंजाब में होनी थी, जिसके बाद लंदन में शूटिंग को पूरा करना चाहते थे। लंदन में फिल्म की शूटिंग का पहला शेड्यूल जुलाई में शूट होना था, जो कि 45 दिन का शेड्यूल था। वहीं इसके बाद पंजाब और मुंबई में शूटिंग होने वाली थी। अपने जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, उस वक्त धर्मेंद्र संग उनके बेटों संग उनकी बॉन्डिंग को खूब पसंद किया गया था। और अब तो पोता भी आने वाला है, यानी कि करण देओल भी फिल्म में होंगे। वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला था। फिल्मों के साथ साथ धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहते हैं, साथ ही वो फैंस से सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र को लेजेंडरी एक्टर कहा जाता है और आज भी उनकी जो पुरानी फिल्में हैं उन्हें उतना ही इंजॉय किया जाता है। वहीं उनकी अपकमिंग फिल्मों का भी इंतज़ार रहता है। तो आप कितना वेट कर रहे हैं अपने टू का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल।